सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आ चुके हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। एंड इसी रेफरेंस फोटो को मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं इसको ड्रॉ करूं। सो आज की वीडियो में मैं इसका आउटलाइन ही बना के दिखाने वाला हूं, वो भी ग्रिड मेथड से। और अगर मैं इस फोटो की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो आप इसको बिल्कुल ईजी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। एंड इस कम्प्लीट ड्रॉइंग को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे आइवरी का 200 GSM पेपर एंड इसका साइज A3 है। सो चलिए गाइस, इसका आउटलाइन बनाते हैं। सो ग्रिड को बनाने के लिए यहाँ पे जो स्क्रीन पर मैंने नंबर दिखा रखे हैं उसी नंबर पर आपको मार्क करना है। एक बॉक्स का हमें डिस्टेंस रखना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के इसको मार्क कर लेना है। अगर आपको ग्रिड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हो। सो पेपर की दूसरी साइड में भी हम उसी तरह से मार्क कर लेंगे। ये पेपर का वर्टिकल साइड है, पेपर को मैंने थोड़ा तिरछा कर रखा है ताकि आपको मार्क है वो अच्छे से दिखें। एंड उतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करोगे, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओगे तो ये आसानी से ड्रॉ हो जाएंगे। एंड इस तरह के टॉपिक पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, उसके बाद पेपर का दूसरा साइड आता है। इस साइड में हमारे बॉक्स कम बनेंगे लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। सो पेपर की इस साइड में हमारे 15 बॉक्स आएंगे, एक बॉक्स होगा 2 सेंटीमीटर का। और अगर आप इस रेफरेंस फोटो को A4 साइज में ड्रॉ करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको ग्रिड के साथ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे चेकआउट कर लेना। और अगर आप A3 साइज पर ड्रॉ करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये रेफरेंस फोटो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसको A3 साइज पर ड्रॉ करो, जिससे आप काफ़ी अच्छे से इसको ड्रॉ कर पाओ एंड डिटेल काफ़ी अच्छे से कर पाओ। सो चारों तरफ मार्किंग करने के बाद इसको अच्छे से मिला देना है एंड लाइन्स को बिल्कुल कंप्रेसर के साथ ड्रॉ करना है, जिससे कि आसानी से इरेज हो पाएँ। ग्रिड और आउटलाइन में कोई भी आप लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो या फिर नटराज पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें बिल्कुल लाइट ग्रिड चाहिए। हमें सिर्फ फोकस करना है हमारी आउटलाइनिंग पे। सो जितने ही मार्क हैं उनको अच्छे से टाइम दे के इसको मिला देना है। सो गाइस, ग्रिड बनाने के बाद अब बारी आती है आउटलाइनिंग की। मैं हर फेस का जो भी सेंटर पॉइंट होता है वहीं से आउटलाइनिंग को स्टार्ट करता हूं, लेकिन आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ग्रिड को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान करके फिर ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आपका एक भी बॉक्स अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो पूरा जो आपका आउटलाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगा। सो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको अच्छे से मार्क कर लेना है। सो यहाँ पे मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है एंड उसी के साथ मैंने दूसरी आईज को भी मेजर कर लिया है, तो दोनों आईज को हम पहले ड्रॉ करेंगे। सो आउटलाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे रेफरेंस को आपको 2 सेंटीमीटर तक जूम कर लेना है, इससे आपको आउटलाइनिंग को ऑब्जर्व करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। एंड अगर आप ग्रिड मेथड से आउटलाइनिंग ड्रॉ कर रहे हो एंड उसके बाद भी आपका आउटलाइन परफेक्ट नहीं बन रहा है, तो आप ग्रिड मेथड को अवॉइड करो एंड फ्री एंड आउटलाइनिंग की प्रैक्टिस करो। एंड इस रेफरेंस का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको किस में चाहिए, टाइम लैप्स चाहिए या फिर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, वो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड कौन से मीडियम में चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। एंड गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही बेहतरीन ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो देखिए कंप्लीट वीडियो किस तरह से मैं आउटलाइनिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ।